नज़ारा, प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य जो देखने लायक है, और आत्मविभोर हो जाता है इस परिमंडल को देखकर। बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको भविष्यवत? यहाँ पे हमें भविष्यवत जी में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे भगवान जी, विष्णु भगवान स्वयं प्रकट होंगे, और यहाँ पे मूर्ति काफ़ी उभरी उभर चुकी है। और जब मैं पहले आई थी तो यहाँ पे बिल्कुल मूर्ति की आकृति दिखाई नहीं देती थी। 2008 में आई थी मैं यहाँ पे, बिल्कुल मूर्ति की आकृति बहुत छोटी थी। आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे काफ़ी मतलब बहुत उसमें दिखता है, मूर्ति पूरे आकृति में दिखती है भगवान की मूर्ति। और यहाँ पे सभी भक्त लोग आए और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। बहुत नेचर भी बहुत अच्छा है, और सभी श्रद्धालु लोग यहाँ पे आए और दर्शन करें यहाँ पे भगवान जी का। यहाँ पे बहुत शब्द लिखे विषय में सभी को अवगत है कि ये पंच बद्री पंच केदार में भविष्य बद्री का जो इतिहास भी बताता है, और इसका उल्लेख आपको मतलब पुराणों में इसका उल्लेख है। इसमें कहते हैं कि भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार, मतलब यहीं भगवान विष्णु यहीं पे अपना पूरा अवतार लेंगे। और ये कलयुग में कहते हैं कि भाई जैसे बद्रीनाथ की यात्रा से बाद फिर यहाँ भविष्य बद्री में यहाँ भगवान विष्णु भगवान जी जब तिब्बत से कहते हैं कि तिब्बत से आए थे, ये स्थान पहले चयनित कर चुके हैं। और यहाँ लगभग कितने प्रॉपर्टी है महाराज जी की? यहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत है, यहाँ 60-70 नाली जमीन है जी। तो सतपाल महाराज जी यहाँ पर आते हैं कभी? नहीं, अभी तो नहीं आए, एक दो बार उसमें प्रोग्राम भी बना था हेलीकॉप्टर का, हेलीकॉप्टर यहाँ उतरा नहीं तो उस समय आए नहीं। अब रोड आती है तो तब तो आएंगे, जब तक रोड नहीं आएगी तब तो नहीं आएंगे। क्या संदेश देना चाहोगे सतपाल महाराज जी को आप? हम तो रोड ही के लिए, रोड ही की परेशानी है सबसे ज़्यादा, रोड परेशानी है। क्या क्या व्यवस्थाएं की है महाराज ने आपके लिए यहाँ पर? यहाँ पर तो सारी व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, धर्मशाला बना हुआ है, रहने की व्यवस्था है, इसमें यात्री भी रहते हैं, और दो आश्रम है, एक नीचे है एक ऊपर है। रख ले सांवरे, चले भाई।